हेलो फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं एक शानदार क्वेश्चन से जो कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, सम टीचर्स आर मेंटोर्स। तो ये जो सर्कल हो गया ये टीचर का हो गया और ये हो गया मेंटोर। तो कुछ टीचर जो है मेंटोर हैं और सम मेंटोर्स आर लेक्चरर। तो ये जो हो गया ये छोटा वाला सर्कल है, ये किसका है, लेक्चरर का सर्कल है। तो सम मेंटोर्स आर लेक्चरर। तीसरा स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, ऑल द लेक्चरर्स आर प्रोफेसर। तो लेक्चरर वाला जो सर्कल होगा वो प्रोफेसर के अंदर हो जाएगा क्योंकि ऑल कह रहा है। तो आर लेक्चरर्स आर प्रोफेसर, प्रोफेशनल्स या प्रोफेसर, ठीक है। नाउ कंक्लूजन में क्या कह रहा है, सम लेक्चरर्स आर मेंटोर्स। तो यहाँ पे आप देखिए, सम लेक्चरर्स आर मेंटोर्स, तो ये तो बिल्कुल सही हो गया। क्यों, क्या कह रहा है, सम मेंटोर्स आर लेक्चरर। तो सम मेंटोर्स लेक्चरर हैं तो सम लेक्चरर्स मेंटोर्स भी होंगे। तो फर्स्ट वाला तो कंक्लूजन सही है। नेक्स्ट कह रहा है, सम प्रोफेसर आर टीचर्स। तो इस स्टेटमेंट में प्रोफेसर और टीचर्स में कोई रिलेशन नहीं दिखाया गया, तो ऐसे इसको क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। फिर क्या करें, सम प्रोफेसर्स आर मेंटोर्स। तो ये वाला मेंटोर्स वाला सर्कल है और जो ये प्रोफेशनल वाला प्रोफेसर वाला सर्कल इसको कट कर रहा है, तो मतलब कि कुछ है। तो थर्ड, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड कंक्लूजन जो है फॉलो करेगा, एक क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या करें, ऑल लॉक्स आर कीज। तो ये हो गए आपके लॉक्स और ये क्या हो गया, कीज। तो ऑल लॉक्स आर कीज। फिर क्या कह रहा है, सम कीज आर डोर। तो ये कीज हो गया, तो सम कीज आर डोर। तो ये सर्कल हो गया आपका डोर का। फिर क्या कह रहा है, सम लॉक्स आर डोर। लॉक और डोर में कोई रिलेशन नहीं दिखाया गया है, तो ये कंक्लूजन तो फॉलो नहीं करेगा। नो लॉक इज डोर, ये भी नहीं कहा जा सकता, ठीक है। नो की इज डोर, तो ये गलत है क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, सम कीज आर डोर। अगर कुछ मतलब कुछ जो है चाबियाँ दरवाजे हैं, तो ऐसा थोड़ा होगा कि कोई भी की दरवाज़ा नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। और इसमें क्या कह रहा है, सम है या नहीं है, तो ये या तो पहला सही है या तो दूसरा सही है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इधर कंक्लूजन 1 और सेकेंड इज फॉलो, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सेकेंड। नाउ इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू सर्च, इस क्वेश्चन में हमको ये शेप जो है खोजना है किसमें एम्बेडेड है इस फिगर को। रोटेशन जो है नॉट अलाउड है इसमें। तो आप ध्यान से देखेंगे तो इस वाले फिगर में कहाँ पे ये छुपा हुआ है, ये हो गया और ये यहाँ पे छुपा हुआ है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सेकंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर फोल्डिंग का है। तो इसमें आप लोग देखिए, ये कॉर्नर पे यहाँ एक गोला, ये गोला इधर है, इसको ओपन करेंगे तो कितने, 4 कॉर्नर होते हैं तो 8 गोले होंगे। तो 8 गोलों वाला एक ही डायग्राम इसमें आपको दिख रहा है, 2 डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें क्योंकि कॉर्नर्स में नहीं है, रिजेक्ट हो गया, इसमें केवल 4 ही हैं, इसको रिजेक्ट कर दिए, इसमें 8 हैं, तो ये सही हो गया आपका, ठीक है। नाउ डिक्शनरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसमें क्या कह रहा है, डिक्शनरी के हिसाब से इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, एफ ए बी, सबसे पहले आ जाएगा आपका एफ ए बी फर्स्ट वाला, ठीक है। अब थर्ड और फिफ्थ में देखना है, एफ ए बी यू हो जाएगा या एफ ए सी हो जाएगा। तो एफ ए बी थर्ड हो जाएगा, तो फर्स्ट और थर्ड हो गया, फिफ्थ दोनों में कॉमन है तो इसको छोड़ देंगे। 2 और 4 में देखेंगे, एफ ए एल आएगा कि एफ ए आई होगा, तो सबसे पहले एफ ए आई होगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 1, 3, 5, 4, 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ देखिए, डॉलर मुद्रा और रियाल। तो सबसे पहले एक फिगर बना देते हैं मुद्रा का। अब मुद्रा में डॉलर भी एक मुद्रा है अमेरिका का, रियाल भी एक मुद्रा है, ठीक है। तो इस तरीके का जो बनेगा, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्दों के बीच वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच है। अस्तबल घोड़ा, तो अस्तबल में कौन रहता है, घोड़ा रहता है, ठीक है। तो माद में कौन रहता है, शेर, नहीं कहते हैं शेर की माद में जा रहा है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा फर्स्ट। नाउ इसमें जो है मिरर इमेज का क्वेश्चन है, मिरर इमेज का क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आप हो जाएगा आपका थर्ड। यहाँ पे जो है, यहाँ पे जब मिरर रखा जाएगा तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा तो उसमें ओपन वाला लेफ्ट पार्ट में आएगा, तो ओपन वाला लेफ्ट पार्ट में हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 217 और 513, रिलेशन शेयर्ड बाय द गिवन नंबर पेयर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा थर्ड। किस तरीके से इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। 217 कितना होता है, 6³ + 1, और 553 कितना होता है, 8³ + 1,
और 126 5 क्यूब प्लस 1, और 343 जो होगा वो 7 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा। इस तरीके से करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या करें बलवान हट्टा कट्टा, ये दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं लगभग। बलवान का मतलब हट्टा कट्टा ही होता है लगभग लगभग। तो इसी तरीके से अराजकता का मतलब क्या होगा, अव्यवस्था। कहीं भी अराजकता फैली है इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पे अव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कर रहा है, सर्कल रिप्रेजेंट सिंगर, सर्कल जो है सिंगर को रिप्रेजेंट कर रहा है। द पेंटागन रिप्रेजेंट्स साउथ इंडियन एंड रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स ग्रेजुएट्स। तो नंबर ऑफ गिवन इन द डायग्राम रिप्रेजेंट नंबर ऑफ पर्सन दैट पर्टिकुलर कैटेगरी। हाउ मेनी साउथ इंडियन गर्ल्स आर सिंगर बट नॉट ग्रेजुएट। तो आपका ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 12, ठीक है, ऑप्शन 4। नाउ इसमें आपको देखना है रिपब्लिक को लिखा जा रहा है इस तरीके से RUBCIL। तो इसमें क्या कर रहा है, फर्स्ट वाले को थर्ड पे भेज दे रहा है और सेकेंड वाले को फर्स्ट पे ला दे रहा है। तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, CIKPEORB ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, मोनिका ने कहा कि वह अपनी माँ के पति, मतलब मोनिका की माँ के पति, ठीक है, कि इकलौती बहन तो उसकी बुआ होगी, के पिता की पत्नी से मिली। उसके पिता मतलब इसकी क्या हो जाएंगे, दादा, उसके पिता की पत्नी तो दादी हो जाएंगी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपनी दादी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है ये डायग्राम किस फिगर में छुपा हुआ है। तो रोटेशन नॉट अलाउड है, तो ये इसी में छुपा हुआ, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टाइप के क्वेश्चन, मतलब इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे आपसे। इसमें क्या हो रहा है आपको देखिए, 12 में 5 से गुणा करेंगे तो 600, 6 में 4 से गुणा करेंगे 2400, 2400 में 3 से तो 7200, 7200 में 2, इस तरीके से, मतलब ये समझिए यहाँ पे 2 का गुणा हो रहा है, यहाँ पे 3 का गुणा हो रहा है, यहाँ पे 4 का गुणा हो रहा है, यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 6 से क्या दिया किया जाएगा डिवीजन, तो कितना हो जाएगा वो 20 आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रिया की करेंसी क्या है, यूरो। तो थाईलैंड की करेंसी क्या है, वात, ऑप्शन 4 करेक्ट है। ये जो है लूडो के डाइस का क्वेश्चन है, तो इससे क्वेश्चन अगर बने हुए हैं तो ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट मान लीजिए इधर से काउंट करके आ जाइए, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, तो फर्स्ट और थर्ड स्टार जो है इसके उल्टा, इधर उल्टा है, ठीक है, तो स्टार का पूछ रहा है, तो स्टार का क्या हो जाएगा इस तरीके का, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन सेकेंड। नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसमें सब में देखिए जेड 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 सब में कॉमन है, तो ऑप्शन में भी जेड आएगा, जेड में दो ही ऑप्शन है। फिर ये देखिए, के से एल हुआ, एल से एम हुआ, एम से फिर एन हुआ, एन से क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा, ओ वाले दो हैं, ठीक है, ओ वाले दो हैं लेकिन जेड बीच में एक ही के है, करेक्ट ऑप्शन यही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेटिकुलस को ऐसे लिखा जाता है उसी कोड में, इसको कैसे लिखा जाएगा, तो लिखा जाएगा PSDURWALSN, करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। नाउ बॉक्सिंग कहाँ पे खेली जाती है, फिर कहाँ पे होती है, रिंग में होती है, रेसलिंग पिच पे होती है, नहीं, बास्केटबॉल किस में होता है, कोर्ट पे होता है, करेक्ट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा सेकंड, ठीक है। नाउ रैक मतलब ढेर लगाना, कुदाल मतलब खोदना, तो कुदाल से खोदा जाता है, ठीक है, रैक से ढेर लगाया जाता है, और छेनी से क्या किया जाता है, तराशना, मूर्तियों को तराशा, जो तराशता है किसे तराशा है, तराशता है छेनी से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरोमीटर, बैरोमीटर से क्या मेजर किया जाता है, प्रेशर। हाइग्रोमीटर से ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है, आर्द्रता। और ओममीटर से क्या मेजर किया जाता है, रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 380 प्लस 216 डिवाइड बाई 6 इंटू 10 माइनस 30 इक्वल टू 50, इसको सॉल्व करना। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको देखना है ये जो डिवीजन वाला है वो उसे डिविजिबल है या नहीं, अगर डिविजिबल है तो इसको ऐसे ही छोड़ना है, उसको कहीं चेंज नहीं करना है, इस तरीके से आपका कौन सा ये ऑप्शन ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएगा। फिर वैल्यू रख के आप एक करके पुट करके चेक करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन आपको जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये फिगर किस में एम्बीडेड है, किस में छुपा हुआ, तो ये जो है फोर्थ ऑप्शन में छुपा हुआ है, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 से 16 जिस तरीके से रिलेटेड है वैसे 5 से क्या रिलेटेड है, तो 4 जोड़ के 16 और 5 4 जा 20, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है,
सही क्रम में अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। परामर्श, चिकित्सक, उपचार, आरोग्य, संक्रमण। तो सबसे पहले क्या होगा? संक्रमण होगा। फिर क्या होगा? फिर आपको जाना पड़ेगा नौ क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, तो सबसे पहले आपका कौन सा इसमें आ जाएगा? संक्रमण होगा। मान लीजिए किसी को कोई बीमारी हो रही, सबसे पहले होगा। फिर क्या करेगा वो? चिकित्सक के पास जाएगा, तो बी हो जाएगा। चिकित्सक क्या करेगा? परामर्श देगा। उसके बाद क्या होगा? उपचार होगा। ठीक है, फिर क्या होगा? आरोग्य प्राप्ति होगी। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको डिक्शनरी के क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले इसमें कौन सा वर्ड आएगा? ई एन टी। टी के बाद क्या देखेंगे? एच। एच किसमें किसमें है? एच टी एच के बाद आर देख लेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा? करेक्ट सबसे पहले आपका फिफ्थ आ जाएगा। ठीक है, फिर देखेंगे, फिर थर्ड आएगा, फिर कौन आएगा? फर्स्ट आएगा। इस तरीके से ये जो है फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें? निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। पदोन्नति, जन्म, रोजगार, सेवानिवृत्ति और शिक्षा। तो सबसे पहले क्या होगा? जन्म होगा। ठीक है, टू। फिर क्या होगा? शिक्षा होगी, फाइव। फिर क्या होगा? रोजगार होगा। फिर क्या होगा? पदोन्नति होगी। फिर जो है सेवानिवृत्ति होगी।